आज हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए स्वामी आशाकांत डोली स्कूल से जीके शुक्ला फंडामेंटल पेज पढ़ाएंगे। इसमें फ्रैक्शन के बारे में हम लोग बच्चों को बताएंगे कि फ्रैक्शन मीन्स भिन्न होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, इसको बोलेंगे जैसे मैं वन अपॉइंट टू लिखा, ये वन अपॉइंट तो वन अपॉइंट टू में आपका वन न्यूमरेटर और टू डिनोमिनेटर। वन क्या बच्चों न्यूमरेटर और टू क्या है डिनोमिनेटर। देखा आपने वन ये है आपका न्यूमरेटर एन यू एम ई आर ए टी ओ आर, यह है न्यूमरेटर। टू है आपका डिनोमिनेटर डी ई एन ओ एम आई एन ए टी ओ आर। फ्रैक्शन इज भिन्न, वन ब्रेड को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसको हम कहेंगे वन अपॉइंट टू। वन अपॉइंट टू में वन आपका न्यूमरेटर और टू आपका डिनोमिनेटर, ये आपका वन अपॉइंट टू। ये बात फर्स्ट पार्ट में वन अपॉइंट टू और सेकेंड पार्ट में वन अपॉइंट टू। यदि हम वन ब्रेड को फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसको कहेंगे वन अपॉइंट फोर। वन बेड को थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे कहेंगे वन अपॉन थ्री। वन बेड को फाइव पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको कहेंगे वन अपॉन फाइव। अब वन अपॉन टू का हाफ पूछा जा रहा है, वन अपॉन टू का हाफ, तो वन अपॉन टू का जब हम हाफ पूछते हैं तो वन आपका न्यूमरेटर टू आपका डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन का हाफ पूछने पर उसके डिनोमिनेटर वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वन अपॉन टू का हाफ पूछा जा रहा है, वन अपॉन टू हाफ, तो वन अपॉन टू हाफ, वन अपॉन टू मल्टीप्लाई टू वन अपॉन फोर। वन अपॉन थ्री हाफ, वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई टू वन अपॉन सिक्स। वन अपॉन फाइव हाफ, वन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई टू वन अपॉन टेन। इसी प्रकार से किसी भी फ्रैक्शन का जब हाफ पूछते हैं तो उसके डिनोमिनेटर वैल्यू में टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वन अपॉन सिक्स का हाफ, वन अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई टू वन अपॉन ट्वेल्व। वन अपॉन एट का मल्टीप्लाई हाफ, वन अपॉन एट हमारा डिनोमिनेटर एट है। किसी भी फ्रैक्शन का जब हाफ पूछा जाएगा बच्चों उसके डिनोमिनेटर वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 upon 6 का हाफ पूछेंगे, 1 upon 6 multiply 2, 1 upon 12, ये। अब देखा आपने 1 bread को 2 part में divide किया, first part आपका 1 upon 2, और second part भी आपका 1 upon 2 है, तो 1 upon 2 अगर first part को अलग कर दिया, second part को अलग कर दिया गया, अब इसको हम join करेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन स्टार्ट होगा आपका यहां से एड में वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू, ये वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू। यहां देखा आपने फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन दोनों के डिनोमिनेटर वैल्यू इक्वल है, जब ये इक्वल है तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर वैल्यू इक्वल होने की वजह से डिनोमिनेटर एक वैल्यू कोई भी लिख सकते हैं। जब इक्वल है तो टू आपका इक्वल दिया है तो अब यहां न्यूमरेटर आपका ऐड होगा और डिनोमिनेटर वैल्यू आपकी टू हो जाएगी। न्यूमरेटर ऐड करेंगे डिनोमिनेटर वैल्यू आपकी टू, वन वन टू अपॉन टू, ये टू अंजा टू अंजा टू, ये आपका वन आएगा। फ्रैक्शन हमारा जैसे वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री है तो थर्ड क्लास के स्टूडेंट के लिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई बेस पर सॉल्व करेंगे।
सेकंड नंबर क्वेश्चन, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री, दस मिनट प्ले करेंगे। थ्री वन जा थ्री, प्लस टू वन जा टू, अपॉन थ्री टू जा सिक्स, अब यह आपका हुआ फाइव अपॉन सिक्स, फाइव अपॉन सिक्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर, फोर वन जा फोर, प्लस थ्री वन जा थ्री, अपान फोर थ्री जा ट्वेल्व, या आपका हुआ सेवन अपान ट्वेल्व। फोर नंबर क्वेश्चन आपका, वन अपान फाइव प्लस वन अपान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन जा टू, फाइव बन जा फाइव, अपन फाइव टू जा टेन, आपका पास सेवन फाइव प्लस टू सेवन बाई टेन, ये आंसर होगा बच्चों। फाइव नंबर क्वेश्चन, वन अपॉन सेवन प्लस वन अपॉन थ्री, थ्री बन जा थ्री, प्लस सेवन वन जा सेवन। देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, वन अपॉन सेवन, इसमें वन आपका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की स्पेलिंग आपकी एन यू एम ई आर ए टी ओ आर, यहाँ न्यूमरेटर सेवन डी ई एन ओ एम आई एन ए टी ओ आर, यहाँ डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन एफ आर ए सी टी आई ओ एन हुआ फ्रैक्शन। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री वन जा थ्री प्लस सेवन वन जा सेवन, अपॉन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, अब सेवन में थ्री ऐड करेंगे टेन बाई ट्वेंटी वन, टेन बाई ट्वेंटी वन। सिक्स नंबर क्वेश्चन, वन अपॉन नाइन प्लस वन अपॉन एट, एट वन जा एट प्लस नाइन वन जा नाइन, अपॉन एट नाइन जा सेवन, सेवन एट वन जा एट प्लस नाइन वन जा नाइन, अपॉन एट नाइन जा सेवेंटी टू, नाइन प्लस एट सेवेंटीन बाई सेवेंटी टू, ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए बच्चों, आपको आज मुझे फ्रैक्शन पढ़ाया, उस क्वेश्चन के आधार पर हमने आपको 10 क्वेश्चन दिया है, इसको करके स्वामी लीला साहब यूट्यूब चैनल पर भेजिए।